म्यूजिक हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस वीडियो, आप 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए जो भी प्रोजेक्ट का यूज हुआ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देन हम चलेंगे फोन का स्क्रीन पर, ओपन करेंगे नोट वीडियो एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी एक दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स चलते फोन का स्क्रीन पर, ओपन करते नोट वीडियो एप्लीकेशन को और एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स इस साइड में जो मिनी मोड दिख रहा है इसके ऊपर में एक एरो दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है। टैप करने बाद नीचे में दो ठो ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे लोड प्रोजेक्ट जिप का जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली टैप कर देना। टैप करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने जो प्रोजेक्ट लिंक जिप फाइल आपको दिया है ये वाला 3D लव ऑसम जिप करके है, तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला ऐसे आ गया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 3D ऑसम जो लिखा हुआ है उस पर आपको सिंपली एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और ओपन होकर आ जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्टली एडिट की हुई है, बट आपको अपना सॉन्ग अपने मनपसंद लिरिकल्स को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसकी मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे मैं अपना मॉडल इमेज चेंज करना कैसे है इसे बताता हूँ। तो फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास इस तरह का ही मॉडल इमेज होना चाहिए, तो आप आसानी से इसे एडजस्ट कर पाएंगे। देख सकते हैं स्पेसिंग इसमें नीचे से थोड़ा कम है, तो आप इस तरह का इमेज लीजिएगा जैसे बेंच पे बैठा हुआ टाइप का इमेज रहता है उस तरह का। तो मेरे पास कुछ इमेज है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे ये वाला प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, तो आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ सॉन्ग और लिरिकल्स चेंज करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास इस तरह का मॉडल है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, या फिर अपना फोटो क्लिक करके और उसका बैकग्राउंड इरेज करके आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मॉडल पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है या रिप्लेस वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना है, आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एल्बम में चलता हूँ और फ्रेंड्स मेरा जिस भी फाइल में इमेज है मैं वहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो रूम की मदद से मैंने सारे PNG को यहाँ क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने अभी ये वाला यूज़ किया था वहाँ पे, बट अभी मैं दूसरा उसमें यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाला इमेज है तो मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला इमेज जो है सो आ गया। अब इसे ऊपर एडजस्ट करना है, तो सिंपली इस तरह से ले लेंगे और इसे बेंच पे, यहाँ पे जो बेंच लगा हुआ है उस पर हमें एडजस्ट करना है। तो इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा करना होगा। तो फ्रेंड्स ये 52 पे है, तो इसे हम थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ पे। तो इसे हम यहाँ पे 40 परफेक्टली कर लेते हैं और ये रहा 40। तो जब इस साइड को 40 कर दें तो इस साइड को भी हम 40 ही करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा इसे नीचे लेकर आते हैं यहाँ पे, और ये रहा परफेक्टली। तो देख सकते हैं यहाँ पे 40 मैंने कर दिया। देन अब आपके इसे क्या करना है, इसे एडजस्ट करना है एकदम बीचों बीच। यहाँ पे इस तरह से रखिएगा जैसे लगे कि आप यहाँ पे बैठे हुए मॉडल जो है वो बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अब सेटअप हो चुका है, ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे लग रहा है जैसे इस पर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाथ रख के इस तरह से यहाँ पे बैठा हुआ है, परफेक्टली अब सेटअप हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है, लग रहा है जैसे इसी पे झूला जो है उस पर बैठा हुआ है। तो इसी तरह का आप जो भी मॉडल लीजिएगा इसी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी जैसे वैसे ही रहने दीजिए, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिंपली आप ये वीडियो जो देख रहे हैं इस पर क्लिक कर लीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर वीडियो अभी ऊपर में है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार चलाकर। ये वीडियो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, लिरिकल्स जो है सो यहाँ पर है। तो आप इसे जहाँ भी रखना चाहते हैं, नीचे में भी काफ़ी स्पेस है, तो अगर आप चाहते नीचे में रखना तो यहाँ पे ये पहले से है, बट अगर आप चाहते हैं नीचे रखना या कहीं और रखना तो आप रख सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली पहले 3 डॉट पर क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी वीडियो आप यहाँ पे लगाना चाहते हो उस वीडियो को सिंपली सिलेक्ट करना है। जो भी वीडियो आप लेंगे ब्लैक स्क्रीन में होगा तो ब्लैक स्क्रीन में वीडियो लीजिएगा, ज़्यादा लिरिकल्स वीडियो जो भी आप लीजिएगा ब्लैक स्क्रीन में लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोज हैं, तो इसमें से कोई सा भी एक हो तब तक के लिए मिले ले। तो जैसे ये वाली को हम सिलेक्ट करते हैं, देन इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गए। तो आप देख सकते
जितना टाइम का स्टेटस है 26 सेकंड का है तो उतना टाइम रख के जो भी एक्स्ट्रा होगा ऑटोमेटिक ही कट जाता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। बट आप जो भी लड़कल से यूज कीजिएगा वो 26 सेकंड से ज़्यादा का होना चाहिए। तो अगर कम का होगा तो आपका वीडियो ब्लैंक मतलब कुछ टाइम तक ऐसे ही चलेगा, उसमें कोई सॉन्ग नहीं होगा, साउंड नहीं होगा, ठीक है। तो जितना टाइम का ये सॉन्ग है उतना टाइम ये स्टेटस है उतना टाइम का ही सॉन्ग लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो अभी तो ये वीडियो जो ऊपर आ रहा है, मैं अभी लाइट कल सबको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इसे कहीं और एडजस्ट करना, जैसे नीचे करना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं, जहाँ पे भी करना चाहते हैं आप इसे ले सकते हैं। बट इससे ज़्यादा नीचे नहीं ले जाइएगा, नहीं तो ये कट जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से ये देख सकते हैं गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये गायब हो जाता है, यहाँ पे ये कट जाता है, देख सकते हैं यहाँ से ये कट रहा है। तो आप इसी के बीच में यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इस पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे था वहीं पे मैं रहने देता हूँ, ठीक है। इसे आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो इस दोनों बटन की मदद से कर सकते हैं। बट जितना स्केल को इस साइड में बढ़ाइएगा उतना ही इस साइड में बढ़ाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसे थोड़ा सा इस साइड में बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड एक ही साथ में यहाँ पर बढ़ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है। तो हमारा स्टेटस जो है परफेक्टली तैयार हो चुका है। काफ़ी कम टाइम में, काफ़ी इजी स्टेप में मैंने आपको ये ट्यूटोरियल दिया है कि आप आसानी से इस तरह के स्टेटस वीडियो बना सके। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये वाला पॉट लगा हुआ है, ये जो देख सकते हैं ये वाला तो मैंने गमला टाइप का यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि ब्लैंक था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसे लगा दिया। बट अगर आप चेंज करना चाहिए या इसे हटाना चाहे तो आसानी से हटा सकते हैं। हटाने के लिए सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ आइस वाले पे क्लिक कर मतलब आँख का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से ये हट जाएगा। देन इसे भी सिलेक्ट करके इसे भी इस तरह से आप हटा सकते हैं। मैं रहने देता हूँ, अगर आप इसे चेंज भी करना चाहते कुछ और यहाँ पर लगाना चाहते हो तो सिंपली रिप्लेस कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर रहने देता हूँ, ठीक है। मुझे इसे अच्छा लगा है इसलिए मैंने इसे लगा दिया था, ठीक है। तो ये स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है, सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए जो नीचे ये एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। नीचे जो ग्रीन बटन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए। फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।